हेलो माय लवली स्टूडेंट्स हेलो मेरे प्यारे मॉलिक्यूल्स कैसे हो आप सब लोग आई होप ऑल ऑफ एग डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड आई होप आप सबकी हेल्थ तो एकदम बढ़िया है ही पर आपकी तैयारी कैसी चल रही है बाय द वे केमिस्ट्री का पेपर आ रहा है और आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे कि बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और कुछ बच्चे थोड़े से के में होंगे और सोच रहे होंगे कि कैसे अपना बेस्ट दिया जाए पेपर में तो so स्टूडेंट्स ऐसे ही आपकी मुश्किलों को आसान बनाने के लिए आपकी गौर मैम आपकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए लेके आई है इसमें हम हर एक सेगमेंट का टॉप थर्टी सवाल करा रहे हैं आपका अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के पोर्शन की तो आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री आती है ऑर्गेनिक आती है इनऑर्गेनिक आती है तीनों ही इंपॉर्टेंट है और अगर मैं ये बताऊं कि मैं तीनों पोर्शन से तीस 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 सवाल करा दूंगी मतलब नाइन्टी सवाल हो गए अब बिग चंक जिसकी हेल्प से आपका रिविजन बहुत ही सुपर स्ट्रांग हो जाएगा और आपको एक बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है रिवाइज करने का और सवाल लगाने का कि चलो चेक कर लो आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है और इसकी मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि ये टॉपिक अभी भी थोड़ा वीक है और आप इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि साथ साथ आप जैसे ही सेशन खत्म हो उनको क्विकली रिवाइज कर लें तो बहुत ही हेल्पफुल सेशन है मैं ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का सेशन ऑलरेडी ले चुकी हूँ और ये सेशन आप लोगों के लिए हमेशा भी वैलिड रहेगा अगर ये ट्वेल्थ वाले बच्चे स्टार्टिंग में भी देखते हैं मिड में भी देखते हैं एग्जाम टाइम में भी देखते हैं जब भी आप एक सेगमेंट पूरा कर लो चाहे वो फिजिकल हो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो ये सेशन बहुत काम आते हैं आपके रिविजन पर्पज के लिए ठीक है तो स्टार्ट करें स्टार्ट करने के लिए एक जल्दी से हाई फाई दे दो यस yes, मैम आपकी आर्मी एकदम रेडी है मॉलिक्यूल्स आर्मी क्योंकि अब हम एटम्स नहीं रहे मॉलिक्यूल हो गए बड़े हो गए इवन ट्वेल्थ पास करने वाले हैं इमोशनल मोमेंट बट विश यू ऑल द बेस्ट विश यू वेरी बेस्ट आप तो हमेशा मेरे ऐटम्स ही रहोगे फिर भी हम्म hmm? ऑन दैट नोट आई यू ऑलरेडी कि आज हम टॉप थर्टी सवाल कर ले विच आर लाइक मोस्ट रिपीटेड वंस उसमें से बहुत सारे आपकी पीवाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं जो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री पे करने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली डेढ़ घंटा वन आवर फोर्टी मिनट्स का सेशन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ठीक है तो चलो ये टाइम मुझे दे दे ठाकुर ठाकुर नहीं ये टाइम मुझे दे दो मेरे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दिस विल बी लाइक सुपर हेल्पफुल ठीक है तो ऑन दैट नोट लेट स्टार्ट बट आपका थोड़ा प्यार दिखाना तो बनता है ना और वो आप कैसे करेंगे वीडियो पे थोड़ा प्यार बरसाइए बाय हिटिंग द लाइक बटन बिल्कुल भी आपको कंजूसी नहीं करनी है ठीक है जल्दी से बटन दबा दो मुझे कोई कंजूसी नहीं चाहिए आलस भी नहीं चाहिए बिल्कुल शेयर कर दो इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में पता चले मे बी योर जूनियर्स ऑल्सो कि देखो वेदांतु बन गया है वेदांतु मैथ जेई मेडिजी आप लोगों के जेई की प्रिपरेशन को भी हम सुपर सिंप्लीफाइड कर देंगे मुश्किल नहीं लगेगा आपको जेई इसके बाद एंड डेफिनेटली अगर आप नए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या सोच में है कि चैनल को सब्सक्राइब करूं कि नहीं क्या सोच रहे हो कर दो प्लीज चलिए ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट और आज हम डील कर रहे हैं इस वाले पोर्शन से केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस की बात करूं तो सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स ये तीन चैप्टर हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री में आने वाले हैं और इसके तीस सवाल आज हम करने वाले हैं यानी कि आज हम डील कर रहे हैं सेवन एंड सेवन फोर्टीन एंड नाइन ट्वेंटी थ्री आज हम तेईस नंबर का जो पेपर है वो डिस्कस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका जो पैटर्न है वो सी वाला ही पैटर्न है जो क्लास ट्वेल्थ बोर्ड्स में आता है इसमें हमारे एमसीक्यूज भी होंगे केस बेस सवाल भी होंगे दो नंबर के सवाल तीन नंबर के सवाल पांच नंबर के सवाल एंड इवन असर्शन रीजनिंग के सवाल तो बहुत ही अच्छा चांस है आपके पास ठीक है तो प्रैक्टिस के लिए रेडी हो एटम्स स्टार्ट किया जाए ओके ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट बैकवर्ड स्टार्ट करेंगे हम सवाल शुरू करेंगे पहले केस बेस करेंगे पांच नंबर के सवाल कर लेंगे फिर तीन के फिर दो के और लास्ट में एक नंबर के सवाल ठीक है तो स्टार्ट करें क्या बोलती पब्लिक हाँ आई थिंक यू ऑल आर रेडी यस चलिए फिर चार नंबर का सवाल है साथ साथ सॉल्व करिए मैम का हाथ थोड़ा मैथ्स में तंग है <laughs> इसलिए मैम को ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ज्यादा पसंद है बट बोर्ड वाली जो कैलकुलेशन होती है ना वो तो काइंड ऑफ इजी होती है मतलब इतनी कैलकुलेशन तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कर लें क्या बोलते हो और आप लोगों से तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है आप लोग के लिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं है लॉक टेबल अलाउड नहीं है तो हाथ चलाना मैथ में जल्दी से और जरूर सीख लेना ठीक है सवाल कह रहा है ये पहले केस स्टेब्लिश किया गया है आप लोगों के सामने द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉड रिएक्शन कैन बी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में हाफ सेल के बारे में बता रहा है कि कैसे होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन लिया और उसको नॉन फॉर्म में लिख दिया कि ऑफ सेल क्या कहलाता है ई नॉट ऑफ सेल चाहे हाफ सेल में बात करें रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन इज द नेचुरल लॉग एम का कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन ओवर किसका कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन मेटल अगर हम बात करें कोई भी सॉलिड उसकी कंसेंट्रेशन को हम यूनिटी मान के चलते हैं ठीक है कोई सब्सटेंस एक्सेस में हो उसका असर भी नहीं होता क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं कहलाता वो इतना एक्सेस में है बाकी के रिएजेंट डिसाइड करते हैं कि उनकी कंसेंट्रेशन खत्म हो गई तो आप चाहे एक्सेस में हो आप रिएक्ट किसे करोगे है ना तो इन केसेस में इनको भी वन मानते हैं और सिर्फ हम कंसेंट्रेशन लेते हैं आयोन्स की ठीक है तो ये आप समझ गए प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं हम्म

चलो करते हैं तो आपको पता है नॉन्स्ट इक्वेशन क्या बताता है ई ऑफ सेल बताता है विच इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है मेरा स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जो एक स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर होता है वन मोलर कंसेंट्रेशन लेते हैं टेम्परेचर प्रेशर जो होता है वो भी फिक्स लेते हैं है ना तो चलो माइनस उसके बाद मैं इसको नेचुरल लॉक की फॉर्म में नहीं लॉग में लिखूंगी उसको चेंज करने के लिए टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अपन एन एफ लॉग ऑफ क्या होता है आप ऐसे भी लिख सकते हो याद ही होगा आपको रिविजन क्लासेस है ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेंट्रेशन ओवर रिडक्शन स्टेट का कंसनट्रेशन जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसका कंसेंट्रेशन ऊपर रिडक्शन स्टेट का कंसेंट्रेशन नीचे ठीक है अब एन की वैल्यू यहां से क्लियरली है एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जिंक से अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ है जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए हैं और कॉपर को दे दिए हैं ताकि वो कॉपर बना सके एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो इस सेल में लिखोगे तो ऑफ 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 सेल सेल हो गया नॉट e अपॉन में इज ऑक्सीडेशन किसका हुआ है जिंक का हुआ है राइट right? जिंक से जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जिंक था मेरे सोल्यूशन के अंदर और कॉपर आयन थे रिएक्टेंट में विच वाज मे बी कॉपर सल्फेट ये रिएक्शन था उसने जिंक को टू पॉजिटिव में कन्वर्ट किया कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर उनका आयनिक स्टेट में लिखा है हमने उसको ठीक है तो यहां से देख लो अगर आप लिखोगे भी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट करके भी लिखोगे मेटल का कंसंट्रेशन यूनिटी मानोगे ऊपर आएगा जिंक आयन का कंसंट्रेशन ठीक है फिर नीचे इसका कंसेंट्रेशन मेटल का कॉन्सेंट्रेशन वन लिखोगे यूनिटी फिर लिख दो इसका कंसेंट्रेशन बस हो गया चाहो तो इसको सॉल्व कर दो आर टी और एफ की वैल्यू रख के हम टू नाइन एट केनरल टेम्परेचर लेकर चलेंगे आर की वैल्यू एट पॉइंट थ्री वन फोर फेराडे की वैल्यू होती है वन इस 9, 6, 5, 0, 0. इसको सॉल्व करोगे यू कैन ऑल्सो राइट जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन में एन बट एन की वैल्यू हमें गिवन है ठीक है आप इस सब को टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अपन मे एफ इसको जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन भी लिख सकते डिवाइडेड बाई टू तो इतना लिखोगे तो भी चलेगा दैट्स दे नीडेड मैंने अच्छे से ओवर एक्सप्लेन कर दिया जितना पॉसिबल था ताकि हर एक बच्चे को लगे कि उसको समझ में आ रहा है और उसके रिविजन में हेल्प हो जाए ठीक है आप ये याद रखिए इस टाइम पे आपको चीट शीट बनाना स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में भी उतना ही जरूरी है जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं क्या आपके पास हैंडी है नर्स इक्वेशन को किस किस स्टेट में लिखा जा सकता है गिब्स फ्री एनर्जी का जो रिलेशन है वो लिख लिया आपने कोलोस लॉ का इक्वेशन लिख दिया केमिकल काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूं सारे रेट लॉ कैसे चेंज करते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं ग्राफ जीरो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर में कैसे बनते हैं हु? हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं ये सब फॉर्मूलाज जो है ना आपके पास हैंडी होने चाहिए और ये आपका वीक पॉइंट बिल्कुल नहीं बनना चाहिए कि अगर ये सब तो मेरे टिप्स पे है इस टाइम पे कि मैंने अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुआ वो दो चार पेज की शीट बनाई हुई थी स्टेपल की हुई थी मैंने रिवाइज कर लिया ठीक है स्पेशली एग्जाम टाइम में चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं बच्चों वट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक आई ऑन ऑन द इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रॉड फॉर विच दिस है तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसकी बात कर रहा है जहां पे रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है दे भी रखा है उसकी वैल्यू भी दे रखी है रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में हमें ऑलरेडी केस में गिवन थी तो आप इसको कैसे लिखोगे रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ई ऑफ सेल जो कौन सा है जिंक आयोन से जिंक को बनना है ई नॉट ऑफ सेल ठीक है जिंक आयोन से जिंक बन रहा है कैथोड वाला रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 या पूरा भी चाहो तो वो भी लिख लो आपकी मर्जी है चलो ऐसे लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय n लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ योर या मैं लिखूं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ना तो अब देखो हो क्या रहा है जिंक आयन से जिंक में कन्वर्जन हो रहा है उसने दो इलेक्ट्रॉन लिए और जिंक बन गया ये मेरा रिडक्शन की मेरी जो इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैं हाफ सेल की ठीक है लिख लिया तो प्रोडक्ट पे क्या है लिखो आप फिर से ई नॉट जिंक आयोन से बना जिंक माइनस जीरो पॉइंट जीरो ऑफ प्रोडक्ट पे जिंक मेटल यूनिटी मान लेंगे रिएक्टेंट पे ये मेरे हो गए जिंक आयोन है ना अब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं बच्चों तो क्या होगा ऊपर ले जाओ ई नॉट ऑफ सेम इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस आ जाएगा है ना इट्स लाइक लॉग ऑफ एन के पार माइनस वन ये ऊपर चला गया तो माइनस वन आगे आ जाएगा माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया जीरो बस अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है तो आपको समझ में आ गया कि हमसे क्या पूछा है इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक एंड ऑन देश अगर मैं ई ऑफ सेल को कंपेयर करूं जिंक आयन की कंसेंट्रेशन को बढ़ाने से तो क्या होगा यहाँ पे प्लस आइन लगाए जितना ज़्यादा जिंक आयन बढ़ेगा लॉ की वैल्यू बढ़ी आएगी ये ओवरऑल वैल्यू बड़ी आएगी और इसके अंदर कोई बड़ी वैल्यू एड होगी तो ओवरऑल रिजल्ट भी बड़ा आएगा है ना यानी कि अगर तुम जिंक की आयन की कंसनट्रेशन बढ़ाते हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए ठीक है कि वो कितना तेजी से मेटल के इलेक्ट्रॉड पे जा रहे हैं रिडक्शन करने के लिए जितनी ज्यादा कंसेंट्रेशन उतना ज्यादा ऑब्वियसली बात है अगर आप नहीं भी निकालो तो भी सोचने की बात है ना जितनी ज्यादा कंसेंट्रेशन जाएगी उतना ज्यादा ई एम निकाल के देगा वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना सिंपल सी बात है ठीक है चलिए अगले पार्ट पे बढ़ते हैं हाउ कैन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रॉड भी इंक्रीज सेम रिएक्शन लिखो रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे इंक्रीज कराओगे आपके पास पिछले ही सवाल में मैंने वो इक्वेशन लगाई थी रिडक्शन पोटेंशियल की कि ई ऑफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल में ई नॉट ऑफ सेल माइनस जीरो चलो टू पॉइंट थ्री जीरो क्योंकि मुझे नहीं पता कि, किस 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 फैक्टर पे वो यू नो चेंज हो सकते हैं तो मेरे को सारे फैक्टर एक बार तो लिखने पड़ेंगे लॉग ऑफ ठीक है रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रही करी हूं, तो उसकी कंसेंट्रेशन मान लो वो सब्सटेंस है ए उस ए की कंसेंट्रेशन है यहाँ पे ठीक है एम मेटल मान लो एम लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ठीक है जरूरी नहीं है मैं चार्ज भी दिखाऊं हम्म अगर वो ऊपर जाता है तो वैल्यू प्लस आएगी कैसे यहीं पे आपने देखा है देखो रिडक्शन पोटेंशियल में लिखना था चाहे तो इसी इक्वेशन को लिख लो आप हम्म या मेटल को मान लो एम टू पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन लिए जरूरी नहीं दो लिए हमने केस मान लिया ठीक है तो यहाँ पे देखो ये सेम इक्वेशन लगाना है

फाइव डिग्री सेल्सियस पे एक बार फिफ्टी डिग्री सेल्सियस पे तब टेम्परेचर एक डेफिनेटली रोल प्ले करेगा तो इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं इसको पॉजिटिव कर दिया ये मेटल आयन की कंसेंट्रेशन मान लिया ठीक है तो यहाँ पे जब आप देखते हो कि टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कंसेंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरा ई ऑफ सेल है ना इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, है। हा कि नहीं जल्दी से बताओ हाँ कि नहीं जल्दी से बताओ बताओके okay. डिपेंडिंग फैक्टर। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ हम्म मैम चलिए आप ये बात मान ले कि इस रिएक्शन में ऐसा ना हो कि ऐसा हुआ तो ए ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अपॉन लॉग ऑफ वन अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस अब बताओ अब बताओ अब क्या होगा है ना तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप रिएक्शन को ढंग से लिखें रिएक्शन को ढंग से लिखें और मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है मैं नहीं चाहती अभी इसको चेंज करना मैं सिंपली टेंपरेचर की बात करना चाहती हूँ कि ये एक कांस्टेंट फैक्टर है फिर मैं टेंपरेचर को चेंज करके देखूं ठीक है मेरी बात समझो इसको भूल जाओ इसमें मैंने क्या किया उसको ऊपर ले गई इसलिए प्लस का साइन लग गया व्हाट इफ मैं उसको बोल रही हूं कि मैं इस चीज को फिक्स रखती हूँ फिर टेम्परेचर को ऑब्जर्व करती हूँ अब देखो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा और बाकी सब सेम है तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी तो ई नॉट सेल में से कुछ वैल्यू कम करोगे तो क्या होगा ई ऑफ सेल बताओ चेंज करेगा कि नहीं करेगा बिल्कुल करेगा यहाँ पे देख लो आइदर दे बाई इंक्रीजिंग मेटल आयन कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप देख लो कि आप सही से लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो ठीक है टेम्परेचर बढ़ाने से भी ई ऑफ सेल बढ़ गया और मेटल आयन बढ़ाने से भी ई ऑफ सेल बढ़ गया बट यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि आप किस टर्म में उसको मेजर करना चाह रहे हो है ना ओवरऑल वैल्यू क्योंकि यहाँ पे माइनस से मैंने पॉजिटिव करा दी थी है ना ओवरऑल वैल्यू मैंने क्या की थी पॉजिटिव कैसे करा दी थी क्योंकि मैं उसको ऊपर लेके चली गई थी क्योंकि मैं उसको रिडक्शन पोटेंशियल में लिखना चाह रही थी ठीक है चलिए तो बहुत सही दोनों एकदम पॉजिटिव हो जाएगी एज वी हैव अंडरस्टूड इन द इक्शन ऑल्सो अगला सवाल है हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट नॉर्स इक्वेशन तो आई थिंक ये भी इंटर रिलेटेड सवाल था जो हम कर चुके थे कि टेम्परेचर अपने आप में अफेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि हम हमेशा एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ टेम्परेचर पे एक रिएक्शन को मेजर करते हैं लेकिन उसी रिएक्शन में ई एम एफ को निकालने में मैं अलग अलग सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में टेम्परेचर चेंज करके देखूँ ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस फिफ्टी डिग्री सेल्सियस तब जरूर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तो इससे क्या सीखें हम कि यही कि इन जनरल इंडिपेंडेंट होती है बट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर यू गेट डिफरेंट डिफरेंट ई क्योंकि यहीं पे हमने प्रूफ कर दिया था कि टेम्परेचर हो गया या कंसेंट्रेशन हो गया उस पर डिपेंड करती है रिएक्शन है ना टेम्परेचर हो गया और या कंसनट्रेशन हो गया उस पर डिपेंड करता है हुँ? तो यस अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ई ऑफ सेल भी बढ़ेगा इन वाइस एवर्ड ऑल राइट चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम और अगला सवाल करेंगे चलिए आगे वाला सवाल करते हैं चलिए केस को पढ़िए जल्दी से मेरे लिए केस को पढ़िए जल्दी से द रेट लॉ फॉर गिवन रिएक्शन यानी कि इस रिएक्शन में हम किस बारे में बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में हम बात करने वाले हैं रेट लॉ के बारे में यानी कि ये रिएक्शन कहा से आता है केमिकल काइनेटिक्स से है ना केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे रेट लॉ के बारे में लिखा है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बारे में पूछा है और इससे रिलेटेड हमारे सवाल आने वाले हैं दो केस करेंगे बहुत जरूरी है और इस पूरे केस बेस को होने के बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आपके कितने नंबर आएंगे अगर ये सेम सवाल आए तो हुँ? क्योंकि ये भी जानना जरूरी है तो एकदम सिंपल सा सवाल था रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा के विच इज अ कॉन्स्टेंट ए पे कितना डिपेंड करता है फर्स्ट ऑर्डर आप बोलोगे यहाँ तो टू मोल्स थे आपको पता है कि ये जो स्टॉक्यूमेट्रिक ऑफिशंट है वो किसके बारे में मुझे बता सकते हैं जल्दी से मुझे बताइए इससे मुझे कभी भी रिएक्शन के रेट लॉ के बारे में पता नहीं चलता क्योंकि जो रेट निकालना होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है है ना ऑर्डर निकालना एक एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है एक्सपेरिमेंटली ही निकाला जा सकता है

रेट होता है कि आपका प्रोडक्ट कितनी जल्दी डिकम्पोज कर रहा है डिसइंटीग्रेट कर रहा है विद टाइम और क्योंकि वो कम होता जा रहा है तो हम माइनस साइन दिखाते हैं या फिर कितना जल्दी टाइम के साथ आपका प्रोडक्ट बनता जाता है तो वो प्लस होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिसइंटीग्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट तो अगर मैं इसकी फॉर्म में लिखूंगी और हर एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म्स में हमें ये याद रहना चाहिए कि रेट इक्वल होना चाहिए क्योंकि तो आपका जो एक प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में बन रहा है ठीक है कि इसके एक, एक एक मोल एक साथ कंज्यूम हो रहे हैं तब जाके टू मोल्स ये बनता है तो इसका एक एक मिला के वो टू मोल्स बना और इक्विवेलेंट रेट हमें उसको शो करना है कि चाहे इसके कंपैरिजन में निकालो इसके में मैं डिफाइन कर सकती हूँ और इक्विवेलेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो उसका स्टॉक्यूमेट्री कॉन्फिडेंट होता है उसे डिवाइड करते हैं है ना तो अगर मैं रेट लॉ लिखूँ तो माइनस डीए अपॉन डी टी इन टर्म्स ऑफ एच टू आप डेल्टा करके भी लिख सकते हो माइनस डी बाई डी टी क्योंकि कंसेंट क्या होता है डी बाई डी टी ऑफ कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन कैसे टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है तो माइनस और यहां पे क्या लिखोगे माइनस प्लस आएगा क्योंकि प्रोडक्ट बनता है वन बाई टू डी बाई डी टी ऑफ एच वन बन गया आपका हो गया आंसर आपको समझ आ जाना चाहिए था कि कैसे निकाला है हमने ठीक है तो ये इक्विवेलेंट करने के लिए हम उसके स्टॉक्योमेट्रिक ऑप्शन से डिवाइड कर ये दो को मिला के ये बना तो इसके एक मोल को बनाने में एक, क्या अगर ये एक मोल करूंगी तो हाफ ऑफ कंज्यूम हुआ है है ना तो दोनों को कंपेयर करने के लिए ठीक है इक्विवेलेंट करने के लिए अगला पार्ट क्या कह रहा है बच्चों वाई द रेट ऑफ रिएक्शन नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन ये तो हो ही नहीं सकता ना क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि कितना जल्दी आपका प्रोडक्ट बनेगा टाइम के साथ या कितना जल्दी आपके रिएक्टेंट डिसइंटीग्रेट होंगे तो टाइम के साथ वो सेम कैसे रह सकता है क्योंकि टाइम के साथ आपके रिएक्टेंट को टूटना भी तो है तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा क्यों तो आप सिंपली बोल सकते हो कि टाइम के साथ जो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होती रहती है है ना क्योंकि रेट क्या है बेसिकली यही है कि वो कितना टाइम के साथ आपकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दे रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट में बना दे तो कभी भी सेम तो हो ही नहीं सकता कॉन्स्टेंट तो हो ही नहीं सकता अगला पार्ट कह रहे द रिएक्शन ए एंड बी सी गि जीरो ऑर्डर राइट रेट इक्वेशन बहुत सिंपल है अगर मुझे इसका रेट निकालना है दैट विल बी के जीरो ऑर्डर का मतलब वो अपने रिएक्टेंट के किसी भी रिएजेंट पे डिपेंड ही नहीं करता जब आप इसका ऑर्डर निकालेंगे तो उनकी कंसंट्रेशन पे स्ट्रेंज बट होता है ऐसा जीरो ऑर्डर रियाक्शन होती है है ना तो यस दिस इज योर आंसर दिस वॉज लाइक वेरी सिंपल वन है ना ये सारा यहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी कर दिया ठीक है मैं इनके पीडीएफ भी अपलोड करा दूंगी टेलीग्राम पे चला जाएगा ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके तो जल्दी से बताइए आठ नंबर का हमने मोटा मोटा पेपर कर लिया है आपके कितने नंबर बनते हैं ऑनेस्ट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बी ऑनेस्ट विद मी honest विद योर hmm? AG मैम चलिए फिर अभी हम सवाल करते हैं पांच नंबर के ठीक है पांच नंबर के सवाल करेंगे पहला सवाल आता है तीन पार्ट में उसको तोड़ा हुआ है एक दो तीन यहां से आपको एक नंबर मिलेगा यहां से एक नंबर मिलेगा और तीन नंबर का हो गया है सवाल ठीक है पहला पार्ट क्या कह रहा है कि मोलारिटी को एक्सप्लेन कर दो दिस इज काइंड ऑफ वेरी सिंपल मोलारिटी क्या होती है आप जब एक मोल सेल्यूट को लेके उसको वन लीटर सल्यूशन में डाल देते हो, है ना? मोलारिटीज द आइडिया अबाउट अ मोलर सोल्यूशन दैट हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्यूट इज देयर इन वन लीटर ऑफ द सोल्यूशन है ना हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्यूट इज देयर इन वन लीटर ऑफ द सोल्यूशन मोलारिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं एन बाई वी हो गया इसका मतलब ये वेन इट कम्स टू मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट के बी तो आपको फॉर्मूला याद है ये हमारे कौन से टॉपिक से आ रहे हैं सोल्यूशन से आ रहे हैं मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट के बी की फॉर्म में लिखा है मतलब बॉयलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब आप किसी सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वॉलीटाइल सल्यूट ऐड कर देते हो तो उस सॉलवेंट का बॉयलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, है ना बढ़ जाता है तो उसमें जो चेंज आता है कितना बढ़ा है दैट इज इक्वल टू के बी एम है ना विच इज द मोलालिटी उसकी मोलालिटी पर डिपेंड करता है मोलालिटी क्या होता है कि वन मोल से जब आप कोशिश करते हो डालने में जब आपके पास हंड्रेड ग्राम सॉरी थाउजेंड ग्राम सॉल्वेंट होता है सॉल्वेंट की टर्म में बात करते हैं ये पूरा सॉल्वेंट के बारे में है. ठीक है तो अगर मैं यहाँ से के को आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ केबी क्या हो गया डेल्टा टी बी अपॉन में एम है ना बी क्या हो गया मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट दैट इज डेल्टा Tb अपॉन एम जब आपके पास एक मोलर सोल्यूशन है उस एक मोलर सोल्यूशन से उसके बॉयलिंग पॉइंट पे कितना चेंज पड़ता है वो कितना बढ़ता है इन वन मोलर सोल्यूशन द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ये उसको मेजर करता है के बी मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट द चेंज इन द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट वेन यू टेक वन मोलर सोल्यूशन ठीक है

ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो कहीं कही ना कहीं मैं ये बोल सकती हूँ पाई इज इक्वल टू सी आर टी सी होती है कंसेंट्रेशन है ना अब मुझे बताओ कह रहा सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है यूरिया का भी और मेरा ग्लूकोज का भी तो मैं इसको कंपेयर कर सकती हूँ पाई वन और पाई टू करके ये पहले वाले की कंसेंट्रेशन हो गई ये दूसरे वाले की कंसेंट्रेशन हो गई किसकी हो गई अमोनिया की आ, अमोनिया ना सॉरी यूरिया है. यूरिया लिख देती हूँ जस्ट अ मिनट यूरिया की और यहाँ पे हो गया मेरा ग्लूकोज के ठीक है दोनों का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है मतलब मैं दोनों को इक्विवेलेंट करके प्रूव कर सकती हूँ गैस कॉन्स्टेंट सेम रहेगा टेम्परेचर सेम रहेगा है ना क्योंकि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर भी है और उसकी सेम कंडीशन पे हम रिएक्शन को कर भी रहे हैं कैलकुलेट अब पूछ रहा है कैलकुलेट द मासज प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सोल्यूशन टेम्परेचर टेम्परेचर यूरिया का ये है है? है मेरा का। अब क्या करोगे concentration क्या करोगे बच्चों? होती तो कैसे निकालोगे? ना वन लीटर ऑफ सोल्यूशन तो वन मतलब वन लिखोगे तो भी ये इक्विवेलेंट हो गया ठीक है सी टू दैट इज द ग्लूकोज के टर्म में मास ऑफ ग्लूकोज या वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज एंड दैट इज गिवन दैट इज 180 और लिखा है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन ठीक है लिखा है इन एज सल्यूशन इन वन लीटर पर लीटर ऑफ द सल्यूशन इन वाटर अब बहुत सिंपल है आप इसको सॉल्व कर लो आगे वन लीटर में ये कैंसल हो गया फोर पे है ना बस वन को ऊपर ले जाओ दैट इज वन एट्टी बाय फोर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन क्या आ गई W ऑफ ग्लूकोज ये 180 इधर चला गया 180 एटी बाय फोर कितना आंसर आएगा फोर पे जाएगा टू जीरो फाइव पे जाएगा दैट इज ट्वेंटी फाइव ग्राम आंसर क्या आएगा बच्चों ट्वेंटी फाइव ग्राम ठीक है आंसर क्या आएगा ट्वेंटी फाइव ग्राम तो वेट ऑफ ग्लूकोज आ गया ट्वेंटी फाइव ग्राम क्या आपका आंसर मैच कर रहे हैं वो दैट अ सिंपल क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन आई वुड से सिंपल ओनली मतलब सीधा सीधा अप्लाई करना था हमें फॉर्मूला बस आपको यहाँ पे देखना था कि इसको इक्वलेंट करना जरूरी था अगर ये मिस किया तो गलती हो जाती है ना पूरे नंबर मिल गया आपको yes चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पांच नंबर का सवाल करते हैं और ये वाला सवाल कौन से टॉपिक से है बहुत ही आसान सवाल है बस जल्दी से मुझे टॉपिक का नाम बताओ जल्दी से मुझे इस टॉपिक का नाम बताओ वट्स द नेम ऑफ द टॉपिक Chemical, chemical, kinetics, है है ना और सवाल पढ़ते हैं पहला पार्ट इसमें पूछा है, इसके अंदर दो पार्ट बना के लिए रिएक्शन ए प्लस बी जिससे बी मिलता rate given है रेट गिवन है के ए बी स्क्वायर ठीक है ए की कंसेंट्रेशन पे वन से डिपेंड करता है बी टू ऑर्डर निकालोगे तो हो गया थर्ड ऑर्डर हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ इज पर रेट हमें गिवन है रेट पे इफेक्ट पूछा है के ए बी स्क्वायर लिखना जब आपका रेट में आप क्या कर रहे हो बी की कंसेंट्रेशन क्वार्रिपल्ड कर रहे हो क्वाड्रिपल का मतलब क्या होता है फोर टाइम्स है ना यानी कि न्यू कंसेंट्रेशन ऑफ बी क्या हो गया हो गया फोर बी अब इसमें पुट कर लो तो न्यू रेट क्या हो जाएगा बच्चों न्यू रेट हो जाएगा के ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा फोर बी का स्क्वायर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन होता है फोर को इसे बाहर ले आओ सिक्सटीन टाइम्स ऑफ के ए यही होगा कि कुछ और होगा तो दिस इज द न्यू रेट जब आपके बी की कंसेंट्रेशन को आप क्या कर लेते हो क्वार्रिपल यानी कि वो सिक्सटीन टाइम्स हो गई इसको इसको कंपेयर करो पहला और दूसरा लिखो ऑन कंपेरिजन वील सी इसकी जगह आप ये पुराना रेट लिख लो कि ये पुराना रेट था उसे सिक्सटीन टाइम्स हो गई

कि भाई अगर तुम इसको एक्सेस में ले भी लो ये तो लिमिटेड है अगर ये खत्म हो गया तो इसको कितना ही है, जिससे फर्क पड़ेगा पे और उसके पे तो जब ऐसा होता है उसकी कंसेंट्रेशन को हम यूनिटी मान लेते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। बस हो गया यही हमसे पूछा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस उसको अवॉइड कर देंगे क्योंकि तो वो एक्सेस में उसके कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो बी का आंसर क्या हो जाएगा नाउ द रेट विल बी बी का स्क्वायर ए की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा ठीक है आगे बढ़े बच्चों किसी को कोई दिक्कत परेशानी बताइए आपके कमेंट्स आर लाइक मोर देन वेलकम आप कमेंट्स में करके बताइएगा जहां पर भी कुछ इशू होता है ठीक है आगे बढ़े अगला पार्ट कह रहा है मैं इसको इरेज कर देती हूँ प्लीज चाहो तो स्क्रीन ले लो वैसे नोट्स में अवेलेबल करा दूंगी आप लोगों के लिए ठीक है हाँ चलिए अगला पार्ट है हमारे पास हमसे पूछा है फॉर द गिवन रिएक्शन नाइट्रोजन में अमोनिया गया अमोनिया बना पहले तो क्वेश्चन का जो नंबर है वो ढंग से पता होना चाहिए ठीक है ये हमें रेट दिया हुआ है अमोनिया के फॉर्मेशन का देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ माइनस डेल्टा बाय डेल्टा टी ऑफ एच टू मतलब रेट ऑफ डी या डिस इंटीग्रेशन बताना है मुझे हाइड्रोजन का और मैंने रेट लॉ के एक्सप्रेशन में आपको बताया था कि सब कुछ इक्विवेलेंट रखना है हमें और उसके लिए क्या करना होता है उसके कॉफिशेंट क्या उससे डिवाइड करना पड़ जाता है ठीक है तो आप अगर इसकी कंसेंट्रेशन लिखोगे ये डिक्रीज करेगा तो माइनस साइन लगेगा One of three of D by DT. Delta में लिखा है तो मैं डेल्टा में लिखूंगी डी में नहीं लिखूंगे Del बहुत बढ़िया अब बस वैल्यू रख दो मुझे इसकी वैल्यू पूछी है उसकी वैल्यू गिवन है इसको इधर ले जाओ मुझे पूछे माइनस अरे <laughs> माइनस डेल बाई डेल्टा टी ऑफ एच टू इसको इधर ले जाओ थ्री बाई टू इसकी वैल्यू मुझे गिवन है एंड दैट इज फोर इंटू टेन टू पार एट यहाँ देखो रख दो फोर इंटू टेन टू पार एट है ना अब इसको सॉल्व कर लो करो करो जल्दी से सॉल्व करो टू इंटू टू फोर सिक्स इंटू टेन टू पार एट यूनिट या, याद रखना यही होनी चाहिए मोल पर लीटर पर सेकेंड मोल पर लीटर पर सेकेंड आपको पता ही है ना कि आप यूनिट देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हो है ना कैसे निकाल सकते हो की value, यानि के की वैल्यू यानी कि रेट कांस्टेंट जो भी है अगर आपको वो पता करना है कि वो कौन सी वैल्यू शो करेगा कौन सी यूनिट दिखाएगा कंसेंट्रेशन टू दार एंड माइनस वन सेकेंड इनवर्स ये यूज़ कर सकते हो आप है ना, या, yeah? आगे आगे बढ़े, बढ़ते हैं, आसान था था सवाल, सवाल पांच नंबर पूरे मिल जाएंगे, अगर ऐसा आ गया गया, तो like ये ज़िंदगी बन गई, एट था क्या? हाँ, हमसे मिस हो गया। ठीक है ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक अवॉइड करनी है बच्चों कई बार होता है हम बहुत माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं जिसमें हमारा ध्यान ही नहीं जाता और उससे हो सकता है पूरे नहीं बट एग्जामिनर को लगेगा आधा एक नंबर तो काट लो ठीक है तो ये माइनस का साइन ऐसे देखना ट्रू नॉट ट्रू ऐसा ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है तो अपने सवाल को कम से कम दो बार पढ़ो कि वो क्या पूछना ऑन दैट नोट आगे बढ़ते हैं और अब सवाल डिस्कस करेंगे तीन नंबर के अब बताइए दो सवाल हमने पाँच नंबर के डिस्कस किए यानी कि दस नंबर अब अपने आप को कितने नंबर देते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी चलिए जल्दी से बताइए Do let me know in the comments also. Okay. आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी से शुरुआत करेंगे तीन नंबर के सवाल है बहुत ही आसान सवाल है सीबीएसई टू थाउजेंड नाइनटीन का आया हुआ सवाल है हर एक सवाल पे जो भी जिस भी ईयर से उठाया हुआ है वो हमने मैंशन कर दिया है ठीक है चलो देखो कैलकुलेट दिल्ली फाइव डिग्री सेल्सियस यहाँ पे एलुमिनियम से एलुमिनियम आयन बना और उसका रिडक्शन हुआ निकल आयोन से निकल बना उसका क्या हुआ सॉरी uh, इसका ऑक्सीडेशन हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया इसका रिडक्शन हुआ गिवन तो तो सबसे पहले मैं ऑफ 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 सेल 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 निकाल लू, मुझे ई निकालने के लिए तो चाहिए चाहिए वो क्या होता है cathode, पे, anode, दोनों की टर्म में लिखे हुए हैं हमेशा हम अपने लिखते हैं कौन सा रिडक्शन करने की कोशिश करेगा जिसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ी है रिडक्शन पोटेंशियल की कि भाई मेरी टेंडेंसी ज्यादा रिडक्शन करने की तो वो ये है तो कैथोड इस पर यही है ऑब्वियसली ये कैथोड का, का काम कर रहा है और इसका रिडक्शन भी हो रहा है आप देख ही रहे हैं तो माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव प्लस क्यों माइनस एंड माइनस ऑफ वन पॉइंट सिक्स सिक्स तो माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव प्लस वन पॉइंट सिक्स सिक्स ठीक है वैल्यू सॉल्व करके बताओ क्या आएगा माइनस करो यहीं पे कर देते हैं ठीक है ये आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी और है ना पॉजिटिव वैल्यू आएगी राइट हमने इसको सॉल्व करके भी दिखा दिया एंड दैट इज ई नॉट ऑफ सेल अब ई नॉट ऑफ सेल यूज करके हमें निकालना है अपना ई एम एफ उससे पहले मैं अपनी यहाँ रिएक्शन लिख देती हूँ बेसिकली यहाँ रिएक्शन क्या हुआ है एलुमिनियम था और निकल आयन थे है ना एलुमिनियम से कन्वर्ट हुआ एलुमिनियम आयोन निकल ने अपने इलेक्ट्रॉन को लेके निकल बनाया है ये मैं क्यों बता रही हूं क्योंकि एक रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखना जरूरी होता है ताकि एन की वैल्यू निकल जाए जो मुझे नर्व इक्वेशन में यूज करनी है एन की वैल्यू क्या डिफाइन करती है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड ठीक है तो आपको पता है एल्युमिनियम ने तो तीन इलेक्ट्रॉन दिए लेकिन निकल ने दो ही लाइक आक, एक्सेप्ट किए मैं इसको बैलेंस कैसे करूंगी अगर इसने तीन दिए अगर मैं इसको दो से मल्टीप्लाई करूं तो छ इलेक्ट्रॉन देगा छ इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ लगा दू तीन तो एक दो एक्सेप्ट कर रहे हैं तीन एक्सेप्ट करेगा क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतने ही एक्सेप्ट होने चाहिए आप चाहो तो उसको फुली फ्लैज तरीके से भी लिख लिख सकते हो मान लो ये निकल सल्फेट था या एलुमिनियम सल्फेट था ठीक है इन एल्यूमिनियम ने निकल सल्फेट के साथ रिया किया एल्यूमिनियम सल्फेट बना और निकल अलग हो गया मोर ऑफ लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है तो आप उस टर्म में भी लिख सकते थे छ और ये हो गया तीन यानी कि एन की वैल्यू यहाँ से मेरी छ आ गई इसका पर्पज सॉल्व जो मुझे चाहिए था है ना चलो अब इसको यूज करेंगे ई ऑफ सेल निकालेंगे ई ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल विच इज वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन आर टी अपॉन एफ की वैल्यू पुट करके एन की वैल्यू कितनी है 6 लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मेटल की कंसेंट्रेशन यूनिटी मान लेते हैं यहाँ पे एलुमिनियम की कंसेंट्रेशन आएगी लेकिन आपको पता है जब कंसेंट्रेशन के आगे कॉफिशेंट हो तो वो क्या हो जाता है उसकी पावर बन जाती है फिर रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट में निकल लाइन पड़े हैं पावर बन जाएगी तीन क्योंकि आगे तीन लगा बस तो अब इसको सॉल्व कर लो बहुत आसान है कि नहीं है बहुत आसान अपॉन में सिक्स लॉग ऑफ एल्यूमिनियम आयन की कंसेंट्रेशन कितनी गिवन है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन निकल की कंसेंट्रेशन कितनी गिवन है जीरो पॉइंट वन ये है ट्वाइस और ये है थ्राइस चलो इसको सॉल्व करो चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से बताओ जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन को आप लिख भी सकते हो बेटे तरीके से बताओ कैसे लिखोगे टेन टू पार माइनस थ्री एक दो तीन तीन जीरो टेन टू पार माइनस थ्री तीन से मल्टीप्लाई करो ये बन जाएगा टेन टू पार माइनस सिक्स है ना क्योंकि टू है जीरो पॉइंट वन क्या है टेन टू पार माइनस वन टेन टू पार माइनस वन को तीन से मल्टीप्लाई करो ये बन गया टेन टू पार माइनस थ्री अब इसको सॉल्व करो आगे मैं इसको इरेज कर दूँ इस वाले पार्ट को अगर आपको समझ आ गया हो तो हम्म इरेज कर दू चलो इसको भी मैं एक स्टेप बता देती हूँ ये ऊपर जाएगा ये क्या बचेगा टेन टू पार माइनस थ्री इसको ऊपर ले जाओ प्लस थ्री टेन टू पार माइनस सिक्स में से टेन टू पार प्लस थ्री हटाओगे टेन टू पार माइनस थ्री बचेगा अग्रीड अग्रीड तो मैं इस पार्ट को हटा देती हूँ यहां से मेरा लॉग की वैल्यू सॉल्व आई है टेन टू पार माइनस थ्री टेन टू पार माइनस थ्री और ये मैं यहां पे पुट कर देती हूं आपको पता है लॉग एम टू द पार एन क्या हो जाता है इसको सॉल्व करेंगे एन लॉग एम पावर आगे आ जाती है तो माइनस तीन आगे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन डिवाइडेड बाय सिक्स थ्री आगे आ गया लॉग ऑफ टेन क्या होता है वन होता है ठीक है ये दो पे कैंसिल कर लो और ये फिर कैंसिल करो आगे 1.41 प्लस दो पे कैंसिल करो 0.04 पॉइंट जीरो चार क्या हो जाएगा ठीक है इतना सॉल्व करोगे काफी है अब इसको ऐड करके आंसर निकाल लो हम्म क्योंकि यहां पे दो डेसिमल है ना ज्यादा से ज्यादा तीन डेसिमल तक भी निकालोगे तो भी चलेगा 1.41 में 0.0 टू नाइन कर दो आगे आंसर मैं हट जाऊं देख लो एक बार ध्यान से कोई स्टेप में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए देर मस्ट बी नो कन्फ्यूजन इन एनी ऑफ द स्टेप से यो चलिए फिर चलिए फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है बढ़े आगे यस तो यू विल गेट योर आंसर एज वन पॉइंट फोर थ्री ठीक है वन पॉइंट फोर वन में जीरो पॉइंट जीरो टू एड हो गया टू नाइन फाइव कर लो आ जाएगा इतना ही आंसर आएगा ओके okay. चलिए आगे बढ़े मेरा फेवरेट सवाल है और इस तरीके के सवाल पेपर में जरूर आते हैं तीन नंबर का हम दूसरा सवाल कर रहे हैं ठीक है और सेशन का ट्वेल्थ सवाल है यार फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर नाइनटी नाइन परसेंट कंप्लीशन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90 परसेंट ऑफ द रिएक्शन सेम रिएक्शन है मैं एक बार नाइन्टी नाइन परसेंट कम्प्लीट करती हूँ उसको एक बार नाइन्टी परसेंट कह रो जब नाइन्टी नाइन परसेंट करोगे ना तो उसको जितना टाइम लगना है वो डबल लगेगा नाइन्टी परसेंट कम्प्लीट करने के सबसे पहली बात इसको डी कोड करो ये मेरी रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर जब आपकी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होती है बच्चों तो आपका आ, रेट का जो आपका यू नो इक्वेशन होता है वो क्या होता है जल्दी से मुझे बता दो कि रेट कांस्टेंट आप कैसे निकालते हो 2.303 अपॉन में t log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स है ना इनिशियल कंसेंट्रेशन फाइनल कंसेंट्रेशन के x खत्म हो गया x कंज्यूम हो गया तो a में से कितना कंज्यूम हुआ हटा दो फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी बची 99 परसेंट क्योंकि ये परसेंट में है कि 99 परसेंट खत्म हो गया तो मान लो इनिशियल कंसेंट्रेशन 100 परसेंट थी तो मैं 100 मान लूँ उसको और फाइनल कंसंट्रेशन a x कितनी होगी 99 तो खत्म हो गया तो सौ में से 99 गया तो कितना बचेगा वन बचेगा है ना तो इसमें पुट कर दो मुझे टाइम के बारे में बात करनी है मैं टाइम को इधर ले जाता हूँ और 99% की कंडीशन है ये तो 2.303 अपॉन में k लॉग ऑफ 100 अपॉन में वन 100 क्या होता है बच्चा 10 टू पावर 2 तो मैं इसको 10 टू पावर 2 करके लिख लो किसी को कोई परेशानी तो नहीं होगी ऐसा करने में हाँ जी किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ऐसा में हाँ जी तो टेन टू पार टू हो गया फिर से लॉग एम टू दार एन एंड लॉग एम टू आगे आ गया जाएगा तो टू इन टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन में के और log टेन बचेगा log टेन होता है वन ठीक है ये आ गया मेरा टी नाइनटी नाइन परसेंट की वैल्यू टाइम जब नाइनटी नाइन परसेंट कंज्यूम हो जाता है जब टाइम देखते हैं हम जब वो नाइन्टी परसेंट कंज्यूम होगा तो क्या रिएक्शन बन जाएगी टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन में के लॉग ऑफ मान लो इनिशियल कंसेंट्रेशन थी हंड्रेड नाइन्टी परसेंट कंज्यूम हो गया तो सौ में से नाइन्टी गया टेन बचा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल लॉग टेन होता है वन तो जब नाइन्टी परसेंट कंप्लीट हुआ टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन में के आया लॉग टेन होता है वन K की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो क्योंकि मुझे दोनों को कंपेयर करना है दोनों फर्स्ट ऑर्डर है तो टी नाइंटी परसेंट विल बी टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री ठीक है यहाँ पे लिखो यूज रिएक्शन वन के की वैल्यू के लिए टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री के की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर ले जाओ क्या बन जाएगा टू इंटू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री के आप उधर ले गए टी नाइन्टी नाइन नीचे ले आए तो के की वैल्यू क्या है टू इंटू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री डिवाइडेड बाय टी नाइन्टी नाइन परसेंट वो ऊपर चला जाएगा टी नाइनटी नाइन परसेंट है ना इतने में कोई परेशानी बता दो इस स्टेप में कोई परेशानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना के इधर चला गया ये इधर आ गया के की वैल्यू है टू इंटू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री डिवाइडेड बाई टी नाइन्टी नाइन उस के की वैल्यू मैंने यहां लिख ली क्योंकि के तो सेम रहेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेम रिएक्शन है अब देखो कैंसिल को ले जाओ इधर इज इक्वल टू यही हमसे पूछा था है ना यही हमसे पूछा था कि जब मेरी रिएक्शन 99% परसेंट कंप्लीट होती है उसमें कितना टाइम लगता है ट्वाइस 90% परसेंट बढ़िया सवाल ढंग से किया हमने देख लो है ना इस तरीके से ढंग से निपटाओगे यू विल डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स एंड टीचर इज ऑल्सो लाइक सुपर इंप्रेस गोइंग टू बी इंप्रेस या हर एक चीज आप ढंग से बता रहे हो और बेस्ट पार्ट ये है कि जब मैंने अपनी पढ़ाई की थी ना तब भी हमारे टीचर बताते थे ये सवाल इम्पॉर्टेंट है और हमें कराते थे मेरे टाइम जब मैंने अपनी ट्वेल्थ की थी 2013 में भी आया हुआ है 2017 में भी आया हुआ है और जब मैम के जमाने से भी आया हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट ये सवाल सी बी में आया हुआ है तो आई होप अभी तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है हुँ? फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल बेस है अगर न्यूमेरिकल की सही अप्रोच आपको समझ आ गई तो यू आर लाइक सॉर्टेड इन फिजिकल केमिस्ट्री ओके अ अल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर हैजॉयिंग ऑफ हंड्रेड पॉइंट टू जीरो डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सोल्यूशन मोनर कॉन्स्टेंट गिवन है आपको पता है कि ग्लूकोज क्या होता है एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट होता है, है ना ग्लूकोज एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट है नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट आई मीन सॉरी नॉन वॉलेटाइल सेल्यूट है उसको आप डाल रहे हो पानी के अंदर एक सॉल्वेंट के अंदर एक लिक्विड के अंदर जब आप एक नॉन वॉलीटाइल सल्यूट डाल दो तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बढ़ जाता है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है घट जाता है देर विल बी डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड देर विल बी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होगा अगर मैं उनको दोनों को इक्वेशन से बताऊं डेल्टा टी बी एलिवेशन कितना होगा के बी मोल एलिवेशन कॉन्स्टेंट मुझे निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है डेल्टा टी एफ क्या होता है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ये मान लो पहले तो था स्टैंडर्ड जो भी होता है ठीक है स्टैंडर्ड पानी का आपको पता है टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव क्योंकि कैलविन में लिखेंगे हम ठीक है और ओरिजिनल जो आया है अब फ्रीजिंग पॉइंट वो कभी तो डिक्रीज आएगा ना कि भाई इतना था लेकिन इतना बच गया तो वो चेंज बताना है आपको इतना डिक्रीज हुआ इतना था इतना हो गया तो वो डिक्रीज आप बता दोगे इज इक्वल टू के एफ इन टू एम इस रिएक्शन में मुझे क्या निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ये निकालना है मुझे है ना दूसरे पॉइंट से शो करूं मुझे ये निकालना है बच्चों ये निकालना है मतलब ये पता होना चाहिए जो हमें ऑलरेडी पता है वाटर का ये पता होना चाहिए ये ऑलरेडी गिवन है के एफ क्या नहीं है ये नहीं है ये निकालना ये अप्रोच होनी चाहिए आपके ये मैं देख कि मेरे पास क्या नहीं है मोलालिटी इस सोल्यूशन से निकाल ले क्या क्योंकि डेल्टा टी बी -भी, भी गिवन है केबी भी गिवन है और मोलिटी के लिए मेरे पास सोल्यूशन भी गिवन है ठीक है तीनों चीजें गिवन है तो आसान हो जाएगा मोलालिटी निकालना डेल्टा टी बी कितना है निकालना है मुझे डेल्टा टी भी कितना हो जाएगा बच्चों एलिवेशन इन दिलीवेट होके हंड्रेड पॉइंट टू जीरो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस था तो हंड्रेड टू जीरो था पहले हंड्रेड डिग्री सेल्सियस कितना बचा डिग्री सेल्सियस और आपको पता है सेल्सियस और केल्विन सेम यूनिट के ऊपर चलते हैं मतलब जब सेल्सियस में भी जितना डिफरेंस होगा यूनिटी का उतना ही केल्विन में होगा समझ तो जो मेरी बात वन डिग्री सेल्सियस टू डिग्री सेल्सियस वो वन यूनिट का डिफरेंस है टू सेवेंटी थ्री कैल्विन टू सेवेंटी टू वन का जो डिफरेंस है सेम स्केल पे चलता है तो so, मैं सेम इसको मैं जीरो पॉइंट टू जीरो भी लिखती हूँ आप चाहो तो चेंज करके देख लो ये हो गया हंड्रेड डिग्री सेल्सियस कितना होता है थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन है ना थ्री सेवेंटी थ्री पॉइंट टू जीरो माइनस थ्री सेवेंटी थ्री विच इज गोइंग टू बी जीरो पॉइंट टू जीरो ओनली एनी वे ठीक है कैलविन में लिख लिया अब इसको मैं यूज़ कर लूँ डेल्टा टीबी टू के बी इन टू एम मुझे निकालना है मोलारिटी वो हो जाएगा डेल्टा टीबी डेल्टा टीबी अपॉन में के बी डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी गिवन है यहां देखो के एफ और के बी ये के एफ हो गया के बी जीरो पॉइंट फाइव वन टू सॉरी केबी की वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव वन टू ए बी की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू डेल्टा टी टीबी हमने निकाला जीरो पॉइंट टू जीरो मोलालिटी की वैल्यू आ गई इसको पुट कर दो इक्वेशन टू में पुटिंग इन इक्वेशन टू ठीक है इसमें पुट करो जरा और बताओ पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में डेल्टा आई मीन टी एफ नॉट इनिशियल टेम्परेचर कितना था टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये मुझे निकालना है टी एफ की वैल्यू है 1.86 पॉइंट मोलालिटी की वैल्यू है 0.20 पॉइंट टू जीरो डिवाइडेड बाई जीरो चलो इसको सॉल्व करो हुँ? चलो इसको सॉल्व करो अगर मुझे टी एफ निकालना है मैं इसको इधर ले जाती हूँ और ये हो गया 273.15 प्लस इसको सॉल्व करो 1.86 पॉइंट एट सिक्स इंटू जीरो पॉइंट टू जीरो Divided by चलो इसको solve करो. को से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? जल्दी से बताओ हाँ जी आपको नहीं लगता ए बहुत मैम सुंदर सुंदर लिखने हाँ ए जी मैम की हैंड राइटिंग इज लाइक इम्प्रूव बेटर वर्जन ऑफ ए जी मैम तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1.86 को 0.20 से दो बारह

जीरो पॉइंट देखो देखो सॉल्व करो हाँ जी डिवाइड करो जीरो पॉइंट फाइव वन टू से सब काम मैम भी कर देगी खुद भी करो कुछ हम्म जीरो पॉइंट सेवन कुछ आएगा ना पांच सौ जीरो पॉइंट सेवन टू क्या बोलते हो जीरो पॉइंट सेवन टू क्योंकि दो डेसिमल तक निकालोगे चलेगा तो टू सेवेंटी थ्री पॉइंट में जीरो पॉइंट सेवन टू एड करो एड करेंगे, करेंगे माइनस करेंगे सॉरी ये इधर जाएगा माइनस होगा ना क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो ये साइन प्लस नहीं माइनस होगा कैसे पता चला ये देखो ना इसको तुम इधर ले गए इसको इधर ले गए माइनस साइन आएगा टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव में से जीरो पॉइंट सेवन टू माइनस कर दो टू सेवेंटी टू पॉइंट समथिंग आएगा क्या बोलते हो है ना टू सेवेंटी टू पॉइंट समथिंग हाँ टू सेवेंटी जीरो पॉइंट सेवन टू बोला था ना हाँ टू सेवेंटी टू पॉइंट फोर फाइव फोर टू थोड़ा कैलकुलेशन पे अपना हाथ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और जल्दी निकालना पड़ेगा आई थिंक इतनी डिफिकल्ट नहीं है ये थोड़ा सा टाइम आप साइड में लगाएंगे डिवाइड मल्टीप्लाई सब करने में जल्दी जल्दी हो जाएगा ठीक है अगला सवाल करते हैं सेक्शन बी यानी कि दो नंबर के सवाल करेंगे रेडी बच्चों हाई फाई दे दो दो नंबर के सवाल शुरू किए जाए चलिए दो नंबर के सवाल में सबसे पहला सवाल करते हैं फोर्टीन सवाल ऑफ द डेट राउल्स लॉ फॉर दल्यूशन कंटेनिंग वॉलीटाइल कॉम्पोनेंट आर एल टी एस राउल्स लॉ बताओ क्या होता है ठीक है राउल्स लॉ और हेनरी लॉ कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सिमिलर ही होते हैं है ना तो बताओ हेनरी लॉ को आप जब डिराइव करते हो तो राउल्स लॉ के कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि आपने एक सल्यूशन बनाया बहुत सारे वॉलेटाइल लिक्विड को मिला के है ना आपने एक सल्यूशन बनाया बहुत सारे वॉलेटाइल लिक्विड को मिला के दैट कुड बी ए बी एंड सी क्योंकि वो लिक्विड है वॉलेटाइट मैंने क्लोज कंटेनर में लिया है वो वेपराइज करेगा ठीक है वेपराइज करेगा तो वेपर की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्योंकि क्लोज कंटेनर है और अपना एक प्रेशर जनरेट करेगा एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के प्रेशर को हम क्या बोलते हैं पार्शियल प्रेशर तो किसी भी वोलेटाइल लिक्विड क्योंकि उसने गैस बना लिया उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है बच्चों वो प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के कि उसका मोल फ्रैक्शन उसका फ्रैक्शन उसका अमाउंट कितना है उस ओवरऑल लिक्विड के अंदर उस ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर ठीक है तो ये आपको पता है रॉयल्स लॉ यही कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन कितना है उसका मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा ऑब्वियस बात है जाहिर सी बात है उतने ज्यादा उसके वेपर बनेंगे और उतना ज्यादा वो प्रेशर जनरेट करेंगे ऑन द लिक्विड एंड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर है ना जब आप ये साइन हटाएंगे तो आपको क्या मिलता है K -H. K -H क्या है आपका हेनरी कॉन्टेंट है ना आप चाहो तो इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हो तो यही मेरा रॉड्स लॉ है ठीक है हेनरी कॉन्सटेंट इसको थोड़ा मैंने इलाबोरेट करके उसी से ही डिराइव करते हैं तो उस सेंस में बता दिया आप इतना भी लिखोगे एक्सप्लेन करोगे इतना थ्योरिटिकली या लिख के नहीं आई I मीन mean, इतनी ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करके नहीं बता रहे तो भी चलेगा वन मार्कर में होगा क्योंकि आगे एक और पार्ट हमसे पूछा ठीक है और वो हमसे क्या पूछे राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं और आपसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बच्चों बताइए आपको पता है कि आइडियल जो है राउल स्लो को फॉलो करता है है ना लेकिन ये जो है नॉन आइडियल जनरली हमारे सोल्यूशन आइडियल ना के बराबर होते हैं मतलब मिथ होता है एक तरीके से दिस इज नॉट गोइंग टू फॉलो आई लॉ ठीक है दूसरी बात एक आइडियल सोल्यूशन के अंदर डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है जीरो होता है जब आप ये बहुत सारे लिक्विड को मिक्स भी कर रहे हो एक सोल्यूशन बनाने के लिए ना ही ओवरऑल वॉल्यूम में चेंज आएगा ना ही उसके इंथेपी में चेंज आएगा बट हियर चाहे डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग हो चाहे डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग हो दैट इज नॉट गोइंग टू बी जीरो क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं है ठीक है फिर आपको पता है आइडियल सोल्यूशन एजोट्रॉप्स बनाते हैं एजोट्रॉप क्या होता है एक लिक्विड्स का मिक्सचर आप प्रिपेयर कर रहे हो जो एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे दोनों की सेम बॉइलिंग पॉइंट शो करने लगता है ना तो आइडियल सोलूशन एज बना सकते हैं अल्कोहल और वाटर उसका एक एग्जाम्पल है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बनाते हैं लाइक अराउंड 92 टू टू सिक्स परसेंट ऑफ एल्कोहल बाकी नॉन आइडियल नहीं बनाते ठीक है ठीके? तीन पॉइंट लिख दिए दो नंबर का सवाल था वैसे तो दो हजार पंद्रह का और सीधा सीधा सवाल पूछा गया है सीधा सीधा कहाँ से पूछा गया है एनसीआर से पूछा गया है और कोई ऐसी नई चीज नहीं है ये आपको डायरेक्टली समझाते हैं हम लोग है ना डायरेक्ट सवाल है ओके okay. चलिए आगे बढ़े चलिए आगे बढ़े हाँ ये जो अगला सवाल है ये 2017 हजार सत्रह का आया हुआ सवाल है बहुत ही आसान सवाल है और जब मैं एक वीडियो भी है जो आई एम श्योर अभी तक आ गया होगा या आने वाला होगा जिसमें मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं तो जब हमने इलेक्ट्रॉलिस की बात की तब भी मैंने आपको बताया है कि पैराडे लॉ से सवाल आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है तो इस सवाल देखो 2017 में आए हुए लेकिन बहुत ही सिंपल सवाल है जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं कैसे कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट 1.27 ग्राम ऑफ कॉपर एट कैथोड व्हेन अ करंट ऑफ 2 एट वाज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट मोलर मास गिवन है फैराडे की वैल्यू गिवन है ठीक है एक तरीके से हमें पता है क्यू विच इज चार्ज इज इक्वल टू आई इन टू टी मुझे आई गिवन है मुझे क्या टाइम पूछा है जो बताना है कि टाइम टू डिपॉजिट 1.27 ग्राम ऑफ कॉपर एट कैथोड कैथोड के अंदर कॉपर जाते हैं इलेक्ट्रॉन लेते हैं और कॉपर बना देते हैं और 1.27 ग्राम कॉपर जो है वो गया है तो उस 1.27 ग्राम के लिए कितना चार्ज लगेगा वो भी निकालना पड़ेगा तभी टाइम का पता चल जाएगा कितने टाइम में गया उसके लिए हम लॉ को यूज करेंगे कि कॉपर के अंदर दो मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे जब वो वन मोल कॉपर बना के देगा है ना और वन मोल कॉपर का वेट कितना हो गया ग्राम ग्राम उसका मोलर यानी कि जब आपको कॉपर बनाना है वन मोल बनाना है तो आपको टू मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा ठीक है टू मोल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनेंगे और टू मोल इलेक्ट्रॉन को अगर मैं चार्ज ही फॉर्म में लिखू एक मोल इलेक्ट्रॉन न फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन फैराडे ऑफ करंट पास करता है दो मोल मतलब टू फेर नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो इतना करंट जो है पास करने की वजह से डिपॉजिट होगा लेकिन मेरे पास सिर्फ कितना है वन पॉइंट टू सेवन ग्राम है तो यहाँ पे लिख दो अगर मेरा वन पॉइंट टू सेवन ग्राम ऑफ कॉपर होता तो two into nine six five zero zero अपॉन में one point two सॉरी अपॉन में sixty three point five ये नीचे चला गया ये ऊपर आ गया one point two seven कितना करंट पास करता है ना जब जाके इतना मोल आई मीन one point two seven ग्राम डिपॉजिट होता अब मेरे पास यहाँ पे क्यू की वैल्यू भी है जो कि है ये अब इसको इस फॉर्मूला में डायरेक्टली यूज़ कर लो तो इन इक्वेशन वन पुट करो चार्ज मुझे गिवन है यहां पे आप इसको ऐसे भी कर लो टाइम मुझे पूछा है दैट इज क्यू अपॉन आई ठीक है एक मिनट इसको मैं चेंज करके लिख देती हूं दैट इज टाइम हमसे पूछा है क्यू अपॉन में आई इसको इक्वेशन वन मान लेते हो ठीक है तो टाइम निकालो क्यू है मेरे पास विच इज टू इन टू नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो अपॉन सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव वन पॉइंट टू सेवन है ना अपॉन में आई आई की वैल्यू है आई की वैल्यू क्या है बच्चों आई की वैल्यू है क्यू अपॉन आई टू एम्पेयर equal इक्वल टू क्यू अपॉन अब इसको सॉल्व करो जरा टू से टू कैंसिल पाँच पे डिवाइड करो ट्वेल्व पॉइंट सेवन ये जाएगा आगे क्या होगा एक मिनट हां ठीक है चलो अब वन पॉइंट टू सेवन ये भी ट्वेल्व पॉइंट सेवन एक जैसा लग रहा है कैंसिल करने की कोशिश करोगे हंड्रेड लगाया इसको ऊपर लेके जाओगे टेन लगाया डेसिमल हटाने पे, इससे आप देख सकते हो बहुत आसानी से ये और ये कैंसिल हो गया एक जीरो से एक जीरो गया एक जीरो से एक जीरो गया, गया। यानी कि टाइम वन नाइन थ्री जीरो ए बचेगा वन नाइन थ्री जीरो सेकेंड्स है ना आ गया ठीक है यही आएगा देख लो यही आएगा कहीं कुछ गड़बड़ी हमसे नहीं हुई आई होप यस एवरी वन ऑल राइट आगे बढ़े फिर आई होप यू आर अलाइंड आगे बढ़े देख लेते हैं हाँ सही आया है ना सही आया ठीक है हाँ अगला सवाल करेंगे दो नंबर में बहुत ही आसान सवाल है और केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है और ये सवाल 2020 में आया हुआ है डायरेक्टली आप ग्राफ को देख अपना आंसर बता सकते हैं बहुत ऐसे कुछ इम्पोसिबल जैसी चीजें नहीं है इसमें draw, uh, अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं आपको पता है हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या कहता है कि किसी एक की कंसेंट्रेशन आर में लिखते हो रिएक्टेंट को लिखते हो तो आर भी लिख सकते हो टी टाइम पे क्या होगी

ठीक है और ये होता है प्लस साइन कहीं कही ना कहीं यहाँ पे लगा है माइनस यानी कि स्लोप की वैल्यू है माइनस के और इंटरसेप्ट क्या बता रहा है ए नॉट को ये होता है इंटरसेप्ट ए नॉट मतलब मैक्सिमम कंसेंट्रेशन जहां से रिएक्टेंट शुरू हुआ था वो ये है डेफिनेटली और वाई जो है वो है कंसेंट्रेशन में जो भी चेंज आ रहा है ओवर टाइम तो कहीं कही ना कहीं इसको फॉलो भी कर रहा है बच्चों कि जब आप देखते हो देर इज अ पैटर्न कि जैसे जैसे टाइम जिस जिस इंटरवल पे डिक्रीज कर रहा है उसी ही चेंज के साथ उसी ही रेशियो में आपकी ए की कंसेंट्रेशन भी डिक्रीज कर रही है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन भी डिक्रीज कर रही है ये 1.6 से शुरू हुआ जब टाइम जीरो था 10 सेकेंड पे 0.2 रह गया 20 सेकेंड पे जीरो पॉइंट फोर सेकेंड पे 0.2 पॉइंट आधा आधा एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है और आपका स्लोप नेगेटिव है हम देख रहे हैं है ना ये कौन सा ग्राफ है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है है ना यस तो यस फर्स्ट ऑर्डर है चलिए आगे हमसे क्या पूछा है थ्योरेटिकली कैन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस टू जीरो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम कि भाई ये कंसेंट्रेशन थी डिक्रीज करनी शुरू हुई क्या ये कभी जीरो होगी तो आपको मैं बता दूं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका रिएक्टेंट एक तो हंड्रेड परसेंट कंज्यूम हो जाए नाइनटी नाइन नाइन परसेंट फिर भी हो सकता हंड्रेड नहीं हो सकता क्योंकि ग्राफ का एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ना कभी जीरो को टच ही नहीं करेगा कभी एक्स एक्सेस को टच ही नहीं करेगा यानी कि ये जो कंसेंट्रेशन है ज़ीरो आ ही नहीं सकती सिंपल सी बात है आपका सवाल है दो हजार बीस का एम शोर बहुत सारे बच्चों ने इसको किया हुआ है है ना देखें यस, टन एकदम बढ़िया हाँ अब आप लोगों का फेवरेट सेक्शन आप लोगों का फेवरेट सेक्शन कौन सा सेक्शन है ये इस सेक्शन का नाम है वन मार्कर जैसा प्रॉमिस भी किया था मैंने वन मार्कर में सबसे पहले हम असर्शन रीजनिंग वाले सवाल भी करेंगे क्योंकि वो भी आएंगे फिर हम नॉर्मल वन मार्कर करेंगे आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं पेपर में और आने आने भी चाहिए और एमसीक्यूज इज काइंड ऑफ रियल टेस्ट जो आपकी नॉलेज को चेक करता है तो एमसीक्यूज पे अपनी पकड़ और भी स्ट्रॉन्ग बनानी है ठीक है चलो फिर स्टार्ट करें वन मार्कर

जो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है जितनी भी कंसेंट्रेशन टर्म है वो सारी के सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट है अगर वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है आपको पता है मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन अब वॉल्यूम में टेम्परेचर की वजह से आता है चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर किसने कहा था चार्ल्स बाबा ने कहा था है ना चार्ल्स बाबा ने कहा था चार्ल्स के लॉ में प्रेशर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है तो अगर टेम्परेचर में चेंज आया बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ी मोलारिटी डिक्रीज हुई तो यस दैट्स ट्रू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चेंज विद विम्परेचर यस एंड दैट इज द रीजन ऑल्सो तो आपका पहला यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हाँ जी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यस यस दैट इज वॉट इज हैपनिंग चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल वी कैन नॉट डिटरमाइन ऑर्डर फ्रॉम बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑर्डर जीरो हो सकता है बिल्कुल हो सकता है फ्रैक्शन हो सकता है बिल्कुल हो सकता है देर आर सो मेनी रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ऑर्डर नहीं निकाल सकते ये भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि ऑर्डर बैलेंसिंग से रिलेटेड नहीं है वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है तो दोनों सही है लेकिन आप देखोगे इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है है ना कि जीरो हुआ फ्रैक्शन हुआ उसका बैलेंसिंग से या नहीं निकालने से कोई मतलब है तो कौन सा सही हुआ स्टूडेंट क्या आपको भी यही लगता है बता दीजिए यस बी ऑप्शन इज समथिंग दैट इज करेक्ट ठीक है बी ऑप्शन करेक्ट है हम्म या आपस में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट रिलेशन नहीं है दोनों का हम्म अगला सवाल है असर्शन है ई सेल शुड हैव अ पॉजिटिव वैल्यू फॉर द सेल टू फंक्शन ढंग से पढ़िए रीजन कह रहा है क्योंकि ई e कैथोड कम होता है ई e एनोड से चलो उसको ध्यान से करते हैं आपको पूछ रहा है कि ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए तभी सेल फंक्शन करेगा हमें बहुत ही क्लियरली पता है कि किसी सेल को फंक्शन करने के लिए उसका डेल्टा जी नॉट यानी कि उसकी गिप्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल ठीक है यानी कि डेल्टा जी नॉट मेरा नेगेटिव होना चाहिए गिप्स फ्री एनर्जी जो है नेगेटिव होनी चाहिए है ना तो इस वजह से अगर इस चीज को अगर हम फॉलो करते हैं तभी पॉसिबल है कि रिएक्शन फिजिबल है और रिएक्शन होगी ठीक है मुझे ऐसे कोई स्पेशल उसको बहुत सारी कोई फ्री एनर्जी देनी नहीं पड़ रही है रिएक्शन अपने आप होना चाहती है इसका मतलब है स्पॉन्टेनियस है अपने आप होना चाहती है फिजिबल है कि वो हो भी रही है एनर्जी निकाल भी रही है देनी नहीं पड़ रही उसको करने के लिए ये तभी पॉसिबल है ये तभी पॉसिबल है ओनली इफ इ नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव तभी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी ये तो फिक्स वैल्यू होती है फैराडे की नंबर ऑफ मोल्स भी एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगा वन टू थ्री फोर चाहे जीरो हो ठीक है तो तब होगा जब पॉजिटिव आएगा तो ये स्टेटमेंट सही है लेकिन आपको पता है ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव लाने के लिए नॉट ऑफ कैथोड की वैल्यू को ज्यादा रखना पड़ेगा या ज्यादा होना पड़ेगा एनॉट से तभी पॉजिटिव आएगी और यहां क्या लिखा है उल्टा लिखा है तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई है ना उल्टा लिखा है ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई नाउ यू नो यू नो assertion सही है reason गलत है, यानी है ना? Right चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बारी आती है लास्ट असर्शन रीजन करने की फिर नॉर्मल एमसी क्यूज अटेम्प्ट करेंगे असर्शन है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रियक्शन इज जीरोचर विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रेट कॉन्स्टेंट आपको पता है रेट कॉन्स्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है के इज इक्वल टू ए की पार एक्सपोनशियल माइनस ई एपॉन में आर टी है ना ये सब आपको पता है ना अरिनियस इक्वेशन रेट और इसमें यह रिलेशन है अब कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो गई जीरो को किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे जीरो वैल्यू आ गई वन यानी कि रेट कॉन्स्टेंट जो है एक्टिवेशन एनर्जी हो टेम्परेचर उसके जीरो करने से टेम्परेचर पे डिपेंडेंट ही नहीं है है ना टेम्परेचर टर्म में कन्वर्ट हो गया तो बस आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होने से विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रेट करेक्ट दूसरी बात लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन हम एक काम करते हैं अब एक काम करेंगे इस रिएक्शन को थोड़ा क्या कर लेते हैं सॉल्व कर, कर लेते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं मेरे को इसको बाहर निकालना है तो मैं इसको नेचुरल लॉग करके निकाल सकती हूँ नेचुरल लॉग ऑफ के क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ ई जो होता है वन होता है और जब दो चीज मल्टीप्लाई हो तो आपस में प्लस आ जाता है नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई माइनस ई ए अपॉन में आर टी है ना तो नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए ऑफ नेचुर क्या होता है वन होता है और वैसे भी उसकी जो पावर है वो आगे आ जाती है नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस माइनस ई ए अपॉन में आर टी और नेचुरल लॉग ऑफ ई बन जाएगा वन ठीक है इसको सिंप्लीफाई कर दिया यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ई अपॉन आर टी ये आ गई मेरी इक्वेशन अब देखो इसमें लगाओ लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन जितनी इसकी वैल्यू कम आएगी जितनी आप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम रखोगे ये ओवरऑल वैल्यू कम आएगी एक वैल्यू में से बहुत ही कम वैल्यू को माइनस करोगे तो ओवरऑल वैल्यू ज्यादा आएगी बस वही हमें प्रूव करना था लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन जो रेट है रिएक्शन का वो फास्ट हो जाए रेट रिएक्शन का फास्ट हो जाए सिंपल सी बात है ग्राफ से भी देखते हो एक्टिवेशन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के बीच में जो बैरियर है वो कौन होता है एक्टिवेशन एनर्जी अगर वो बहुत ही कम है तो उस बैर को बहुत ही आसानी से फास्ट तरीके से रूम टेम्परेचर से में भी एनर्जी लेके पार किया जा सकता है रिएक्शन फास्टर होगी ठीक है तो सही है बट क्या आपस में कोई कनेक्शन है नहीं है ना आपस में कोई कनेक्शन नहीं है तो आपका आंसर क्या हो गया फिर से बी बी फॉर बॉल और बी फॉर क्या होगा बी फॉर आंसर जनरली बी सी आने के जो चांसेस है वो थोड़े से ज्यादा होते हैं सिली जोक्स ए जी मैम और उनके सिली जोक्स चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अब जैसा मैंने बोला अब हम सवाल करेंगे नॉर्मल एमसीक्यूज अगले जो दस सवाल हैं वो नॉर्मल एमसीक्यूज होने वाले हैं सी बी एस ई का आया हुआ सवाल है ये सवाल है द हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन मान लो ये मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था आर की टर्म में लिखा है तो मैं ए नहीं लिखूंगी आर लिखूंगी इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या कहेगा आर के टर्म में रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन एक टी टाइम पे इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी अब जब मेरा टाइम टी हाफ के इक्वल हो जाता है तो मेरी जो कंसेंट्रेशन है टी टाइम पे वो भी यानी कि अपनी आधी हो जाती है है ना टाइम आधा हो गया यानी कि इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा टी हाफ का मतलब ये होता है कि आधा रिएक्टेंट आपका पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया ठीक है तो इसको इसके अंदर पुट कर लो अब ठीक है तो आर टी क्या हो जाएगा आर नॉट बाई टू इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी मुझे क्या पूछा हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड यानी कि मेरे को टाइम पूछा है हाफ लाइफ का इसको इधर ले जाओ पॉजिटिव हो गया के टी हाफ आर नॉट इसको इधर ले आओ आर नॉट बाई टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टू R not by two, one में से हाफ कम करोगे, हाफ बचेगा. K T half is equal to R not upon uh, two. मुझे क्या निकालना है? T half, T half क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है. K उधर ले जाओ. R not upon में two K. R not upon में two K. ठीक है? ये इधर चला गया. ठीक है? T half बच गया. तो कौन सा ऑप्शन है? बताओ. हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ क्या होगा टी हाफ होगा आर नॉट अपॉन में आर नॉट अपॉन में 2k यानी कि ऑप्शन नंबर डी बच्चों ऑप्शन नंबर डी चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही आसान सवाल है और ये सवाल कहां से आया हुआ है कहां से आया हुआ है कहां से आया हुआ है बता दो बहुत आसान है ये सवाल आया हुआ है हमारे टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सवाल कह रिड्यूसिंग पावर ऑफ गिवन रिड्यूसिंग रिड्यूज होना चाहता है जिसकी तो जितनी वैल्यू ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल की बच्चों मोर रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि वो खुद को क्या करना चाहता है रिड्यूस है ना यानी कि खुद को रिड्यूस करेगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर तो हो गई ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गई मैक्सिमम पाउडर लिख दिया मैंने <laughs> उसकी क्या हो गई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है अगर उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है यानी कि आपके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा हुई उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही कम होती है है ना अब आपको पता चल गया हमें पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है रिड्यूसिंग पावर के इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, यानी सबसे कम क्या करेगा रिड्यूस हाँ कि नहीं बच्चों बता दो और यहाँ पे एलुमिनियम की वैल्यू सबसे कम है रिडक्शन पोटेंशियल दिखाने की तो वो सबसे कम ऑक्सीडाइज करेगा यानी कि सबसे ज्यादा रिड्यूस करेगा तो अगर मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाना है सबसे पहले हो गए ब्रोमाइड आयन ठीक है सबसे पहले हो गए ब्रोमाइड आयन फिर हो गए मेरे आयन आयन और फिर हो गया मेरे एलुमिनियम एलुमिनियम बना के देता है ना तो एलुमिनियम हो गया बेसिकली ये होना चाहिए आपको क्या लगता है मिल रहा है क्या कि किसी ऑप्शन से जी उल्टा कर दिया क्या कुछ नहीं या तो सही है यानी कि ऑप्शन नंबर ए एलुमिनियम की रिड्यूसिंग पार्ट सबसे ज्यादा है, है ना दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एज द आंसर ऑप्शन नंबर ए देख लें क्या चलो ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर आप कारण समझ गए ना इसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है यानी कि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज़ नहीं रिड्यूस करना चाहे और आपको पता भी है मेटल आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे भी याद रख सकते हो चलो अरे आइला आइला अगला सवाल करते हैं अगला सवाल है ये द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज दिस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बहुत आसान है के की वैल्यू गिवन है आपको ठीक है 2.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन टू पार माइनस सिक्स मोल माइनस टू लीटर स्क्वायर सेकेंड एनवर्स आपको पता है जब आप के वैल्यू के आप क्या देखते हो यूनिट्स देखते हो आप वहां से निकाल सकते हो क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्योंकि तो आपको पता है हमने कंक्लूड करके एक फॉर्मूला बना रखा है कि रेट कॉन्स्टेंट की अगर मुझे यूनिट्स बतानी है दैट इज कंसेंट्रेशन टू द पार एन माइनस वन एंड सेकेंड इनवर्स अब मुझे चाहिए कंसनट्रेशन क्या होती है मोल पर लीटर की पावर एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स मुझे चाहिए लीटर स्क्वायर मोल माइनस टू एन की वैल्यू तीन रख के देखो मानो इनकी वैल्यू तीन है तो आ जाएगा मोल्स पर लीटर तीन में से एक गए दो ठीक है अब देखो सही है क्या अच्छा सॉरी कंसेंट्रेशन की पार वन माइनस एन होता है है ना कंसेंट्रेशन की पार वन माइनस एन होता है एक मिनट मोल्स पर लीटर तीन में से एक गया दो मोल स्क्वायर लीटर टू हाँ जी हाँ ए, वन माइनस एन होता है एन माइनस वन नहीं होता तो वन माइनस एन बस हो गया मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मिस्टेक है वन अपॉन में मोल्स पर लीटर एक मिनट पर लीटर एन एक मिनट तीन तो तो आना चाहिए, का कुछ लग रहा है। लीटर पर होता है होता hmm. करेंगे तो n -1 ही आएगा। एक मिनट सही किया था पर क्या हमने मिस किया कंसेंट्रेशन क्या होता है बच्चों एक मिनट कंसेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर उसकी पारे है एन माइनस वन दैट इज टू यानी के लीटर हम्म लीटर स्क्वायर मोल माइनस टू नहीं आएगा ना ओके तो हम सिंपल अपना फॉर्मूला रखेंगे हम अपने फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं जस्ट वन मिनट फॉर्मूले को लिखने का तरीका क्या हो गया वन अपॉन में कंसेंट्रेशन टू द पार वन माइनस एन एंड सेकेंड एनवर्स ठीक है एन की वैल्यू हो गई तीन वन अपॉन में मोल पर लीटर देखें क्या है, सही है रुको जरा मोल्स पर लीटर वन माइनस एन मतलब वन माइनस थ्री विच इज माइनस टू अब देखो अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे ये बनेगा लीटर ये बनेगा पर मोल उसके पार माइनस टू आइला कुछ <laughs> तो गड़बड़ है दया ऐसे करते हैं आई होप इसमें कोई और इशू ना हो आई होप नाउ दिस इज द राइट फॉर्मूला क्या बोलते हो स्टूडेंट वन अपॉन में कंसेंट्रेशन एन के पार माइनस वन सेकेंड इनवर्स वन अपॉन में कंसेंट्रेशन दैट इज मोल पर लीटर एन की वैल्यू है तीन तीन में से एक गए दो तो अब यहां से निकालो अब निकल जाएगा अब सही है वन अपॉन में कंसेंट्रेशन की पार एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स दिस इज द राइट फॉर्मूला दो बचा अब देखो अब आ जाएगा ये लीटर स्क्वायर क्योंकि तो तीन में से एक गया दो ये ऊपर जाएगा लीटर का स्क्वायर और मोल का बचेगा माइनस टू और सेकेंड इनवर्स अभी ठीक है ठीक है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कोई नहीं हमने उसको ठीक कर दिया दिस इज गोइंग टू बी द दमूला वन अपॉन में कंसेंट्रेशन की पार एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स देख लो बट अच्छा, हाँ वो तो एकदम क्लियर था कि जो डी की वैल्यू है वो करेक्ट है दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मस्ट बी थ्री ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आना चाहिए तीन आना चाहिए इज़ करेक्ट ठीक है आगे बढ़े हाँ तो इस फॉर्मूला को एकदम याद रख लो वन अपॉन में कंसेंट्रेशन के पार एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स ठीक है समझ गए ना द वैल्यू ऑफ हेनरी कॉन्स्टेंट के एच इज सोलबिलिटी के टर्म में आप क्या लिखते हो बताओ सोलिबिलिटी के टर्म में आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैसे वही उसका जो प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के अगर आप इसको सोलिबिलिटी के फॉर्म में लिखना चाहो तो सोलिबिलिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो जितना ज्यादा उसका प्रेशर होगा उतनी ज्यादा उसकी सोलिबिलिटी होगी गैस की उस वॉलिटाइल सॉल्वेंट की इसको हटाओगे हेनरी कांस्टेंट आएगा अब ये इधर चला गया यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा ये ग्रेटर होगा जब सॉल्युबिलिटी कम हो गई विद लोअर सॉल्युबिलिटी है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, है ना चलो है ना? बढ़िया आगे बढ़ते हैं बहुत ही आसान सवाल है वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक जो फिजिकल केमिस्ट्री से आता है दैट इज योर कॉलरॉश लॉ और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगता है आपको जितने भी आपके आयोन्स हैं ना किटानिन आइन उनको ऐड करके या माइनस करके आपको वो स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट बनाना होता है तो अगर मैं ऑप्शन को कंपेयर करूं एनएच फोर बनाने के लिए एनएच फोर कोई थोड़ी ना यूज़ करोगे वो तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आना चाहिए सबकी मोलर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयोन्स जितने भी होते हैं ना या इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उनको एड और सब करके देखो जो आयस कट जाते हैं आपस में कट जाएंगे जो आपस में बचेंगे वो मिलकर जो इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं उसे आप पूरे सोल्यूशन की इलेक्ट्री आई मीन मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो ठीक है अमोनियम क्लोराइड में एन NaH जोड़ दिया ठीक है तो मेरे पास अमोनियम भी है और ओ OH एच भी है अब मुझे एन और सी को निकालना पड़ेगा तो यहाँ देखो एन ए को निकाल दिया मैंने तो ये सही है आगे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आगे क्यों करना है बाय द वे ठीक है तो सेकंड यानी कि बी ऑप्शन इज वन दैट इज करेक्ट बी ऑप्शन आपका सही है ठीक है

ज hmm. अगला सवाल ट्वेंटी सेवन सवाल इन विच ऑफ दल्यूशन शुड पॉइंट। आपको पता है वही जो वेंट ऑफ फैक्टर है आई की वैल्यू दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल है ना जो आपको पता भी है कि हम आई की वैल्यू को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं वेंट ऑफ फैक्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मानते हैं और उसको कंसिड्रेशन में लेना बहुत जरूरी होता है ठीक है तो चलो अगर मैं इसकी बात करूं और वो बैंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे भी डिपेंड करता जितने ज्यादा आपका डिसोसिएशन होगा जितना ज्यादा आयंस फॉर्मेशन होगा आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा देयर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज ठीक है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा जिसका जितना ज्यादा डिसोसिएशन होता है क्योंकि जितना डिसोसिएशन है उतने आयोन्स पड़े उतना ज्यादा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ज्यादा उसको एनर्जी देनी पड़ेगी टू ओवरकम दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको तोड़ेंगे सोडियम आयन आइन आयन दो आइन्स बनेंगे आई की वैल्यू इसको तोड़ोगे दो सोडियम आयन एक सल्फेट आयन तीन एक अमोनियम आयन एक नाइट्रेट आयन दो डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है एक और एक दो आंसर आपके सामने है क्या होगा आंसर आंसर है ऑप्शन नंबर बी

तो हम तो उसका रिजल्ट याद करके देख सकते हैं तो अगर इसमें बात करूं चाहे एन टू ओ फाइव को डीकम्पोज करें चाहे एन टू ओ को डीकम्पोज करें चाहे रेडियो एक्टिव डी के करें ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सिर्फ अमोनिया को डीकम्पोज करना एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसको तो याद कर लो आप भी सकते हैं कई बार आपकी मेमोरी बेस्ड भी सवाल आ जाते हैं दिस इज वन ऑफ दोस या चलो आगे बढ़ेंगे अगला सवाल है ट्वेंटी नाइन्थ सवाल दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है पर ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा और मैं बोल रही हूँ चुटकियों में तो देखो कैसे होगा फॉर द सेल कॉपर से कॉपर आयन बना सिल्वर आयन से सिल्वर बना इसका ऑक्सीडेशन हुआ इसका रिडक्शन ई नॉट सेल गिवन है इफ कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इज डबल्ड देन ई नॉट ऑफ सेल विल बी अगर यहाँ पे ई ऑफ सेल लिखा होता तो आप सॉल्व करते उसको ई नॉट ऑफ सेल रिमेन्स द सेम ऐसा क्यों इनऑट ऑफ सेल हमेशा एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर किया जाता है जिसमें कंसनट्रेशन हम वन मोलर लेते हैं तो कंसेंट्रेशन यहाँ पे कितना भी बढ़ा लो इनऑट ऑफ सेल जो होता है ना वन मोलर पे ही मेजर किया जाता है तो कंसेंट्रेशन कम करो ज्यादा करो हमें कोई मतलब नहीं है ना आसान था ना सवाल सॉल्व करने नहीं बैठ जाना ई ऑफ सेल नहीं पूछा यही बात है कि हम इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देके क्या पूछा है क्या नहीं क्यूज क्योंकि तो आपको सबसे ज्यादा डराते हैं क्यों थोड़ा भी गलत पढ़ लिया आपका पूरा नंबर चला जाएगा ठीक है चलिए अब आता है हमारा लास्ट सवाल ऑफ द डे सवाल नंबर थर्टी सवाल क्या कह रहे हैं तो बहुत आसान है आपको भी पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिएक्शन में नहीं सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा होता है कि के और टी इक्वल हो जाता है कैसे आपको पता है के की वैल्यू रेट कॉन्स्टेंट कैसे निकालते हो हमने देखा था वन अपॉन में कंसेंट्रेशन एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स अभी हमने सॉल्व किया था एन की वैल्यू है जीरो कंसेंट्रेशन क्या होती है मोल पर लीटर जीरो माइनस वन माइनस वन सेकेंड इनवर्स क्या आ गया ये ऊपर जाएगा सॉल्व करो सॉल्व करो इसको इसको मैं ऊपर ले जाऊं लीटर पर मोल लीटर पर मोल पे माइनस वन है तो क्या हो जाएगा मोल माइनस माइनस प्लस मोल पर लीटर पर सेकेंड है ना क्या आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड और आपको पता है अगर आप रेट लॉ लगाओ भी रेट क्या होता है माइनस डी ए अपॉन में डी टी ठीक है ये क्या है कंसेंट्रेशन है ये क्या है टाइम है अब आप करो जरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा हाँ जी कंसनट्रेशन ओवर टाइम अगर जनरली रेट निकालना चाहो तो हम्म सीधी सी बात है रखोगे मोल पर लीटर पर सेकंड है ना मोल पर लीटर पर सेकंड रेट क्या होता है कंसेंट्रेशन ओवर टाइम मोल पर लीटर पर सेकंड ठीक है के की वैल्यू निकालो क्या आएगी कंसेंट्रेशन ये हमने पहले ही अभी सॉल्व कर लिया है ना और n की वैल्यू जीरो है तो मोल पर लीटर पर सेकेंड आएगी k की वैल्यू तो रेट हो चाहे रेट कांस्टेंट हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेम आता है और वैसे भी आप देखो ना रेट क्या होता है k जीरो ऑर्डर रिएक्शन है मतलब तो उसकी कंसेंट्रेशन हो गई जीरो तो रेट और k सेम है यहाँ पे तो क्योंकि सेम है तो उन दोनों की यूनिट भी सेम आएगी सिंपल सी बात है इतना क्या सोचना ठीक है हां हमारे 30 सवाल खत्म हुए बड़ा ही हैवी सेशन आई वॉन्ट से है क्योंकि सवाल आप लोग रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर्स आप लोग सारे पढ़ चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट तीस सवाल थे जिनसे मैं बहुत एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ पेपर में डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं थोड़ा बहुत घुमा फिरा के लैंग्वेज बदल के यूनिट्स बदल के या वैल्यूज बदल के भी पूछे जा सकते हैं तो अब मुझे बताओ कि आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है अभी आपको कैसा लग रहा है कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो आप कि फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन आपका आज देखने पे सॉल्व करने पे पता चला कि आप यहाँ पे हो ठीक है ये जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों है ना तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन योर पेपर स्पेशली इन फिजिकल केमिस्ट्री सुपर कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट ओकेश नो आइडिया नो आइडिया पे नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम है पर एग्जाम में अच्छा करना है तो अपनी गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी है बट ऑल्सो एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड ऊपर नीचे हो भी गया तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हाश नहीं होना है बस ये सोचना है कि अगली बार मैं इससे बेहतर करने की कोशिश करूँगा या करूँगे ठीक है जो भी लगे आज गलतियाँ हुई है उसको दोबारा तीन बार चार बार रिवाइज़ कर लेना अच्छे से ताकि एग्ज़ाम में वो गलतियाँ ना करके आओ मुझे ज़रूर बताना कि सेशन कितना हेल्पफुल था थोड़ा सा प्यार दिखा देना बाय लाइकिंग द वीडियो ज़रूर ज़रूर सुपर इम्पॉर्टेंट शेयर कर देना दोस्तों के साथ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि तो जय के नया आपकी जरूर हम लोग पार कराएंगे मैं मिलूंगी जल्दी ही बहुत सारे अमेजिंग सेशंस के साथ बट तब तक के लिए मेरे स्टूडेंट्स मेरे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स सी या टेक केयर हास्ता लविस्ता एंड ऑल द वेरी बेस्ट